उपयुक्त सर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपने फॉर्मूला लगाने हैं, इन पांचों क्वेश्चनों को सोल्व करके बताना है। सबसे पहले है x प्लस फोर प्लस एक्स प्लस टेन। इसमें सर समीकरण के अंदर आपने देखना है कि आपकी कौन सी सर समीकरण लगेगी। तो इसके अंदर हमारे पास लगेगी चौथी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे x प्लस फोर एक्स प्लस टेन है, तो इसके अंदर हमारे पास सर्व समीकरण लगेगी चौथी, वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इस केस में a मेरे पास हो जाएगा फोर, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी फोर और बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी टेन। तो हम लगा देंगे सर समय का एक्स का स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी फोर प्लस टेन इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी फोर इंटू टेन। सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस चार और दस चौदह गुणा में एक्स है, प्लस चार को दस से गुणा करेंगे तो हमारे पास चालीस। दोस्तों यही है आपका उत्तर। सेकेंड वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस एट एक्स माइनस टेन। तो इसके अंदर जो सर समीकरण लगेगी उसके अंदर भी हमारे पास सही वाली लगेगी, लेकिन इन दोनों में प्लस है और यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो ये एक्स प्लस एट है, एक्स प्लस माइनस का हम कर देंगे टेन। तो सोल्व करेंगे हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस का हमारे पास टेन आ जाएगा। तो इसके अंदर सर समय का हमारे पास ये वाली लगेगी, तो हमारे पास है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। इस केस में जो मेरे पास ए होगा वो एट होगा और बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का टेन। लगा देंगे सर समय का, तो एक्स का स्क्वेयर तो ये एक्स का स्क्वेयर ही रहेगा प्लस ए प्लस बी एट प्लस माइनस का टेन। साथ में मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए इंटू बी आठ गुना में माइनस का दस, और हम इस वैल्यू को कर लेंगे सोल्व। तो ये मेरे पास आएगा एक्स का स्क्वेयर प्लस माइनस मेरे पास हो जाएगा माइनस इंटू एक्स है, आठ को दस से गुना करेंगे तो हमारे पास अस्सी है, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास अस्सी। एक्स स्क्वेयर आठ में से दस जाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का दो एक्स, माइनस का हो जाएगा अस्सी, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस। एक्स स्क्वेयर माइनस का टू एक्स हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा मेरे पास अस्सी। दोस्तों यही है आपका उत्तर। तीसरी वैल्यू मेरे पास है थ्री एक्स प्लस फोर थ्री एक्स माइनस फाइव। थ्री एक्स प्लस फोर थ्री एक्स माइनस का हो जाएगा फाइव। सर समय का हमारे पास यही वाली लगेगी इसके अंदर, लेकिन आपके पास फॉर्मूला भी x में है और क्वेश्चन भी x के अंदर है, तो इसको आसानी के लिए मैं y में लिख देता हूँ। y प्लस ए और ये y प्लस बी है, तो हमारे सर समीकरण बन जाएगी वाई स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी वाई प्लस ए इंटू बी। तो इसमें मेरे पास माइनस है तो माइनस मेरा कॉमन में चला जाएगा, थ्री एक्स प्लस फोर थ्री एक्स प्लस ये माइनस का हो जाएगा मेरे पास फाइव, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब मेरे पास जो वाई की वैल्यू आएगी वो मेरे पास आएगी थ्री एक्स, तो वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी थ्री एक्स, ए की वैल्यू मेरे पास होगी फोर और बी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का फाइव। तो हम सर समीकरण लगा देंगे, सबसे पहले हमारे पास है वाई का स्क्वेयर, वाई का स्क्वेयर थ्री एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा, थ्री एक्स का होल स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी ए प्लस बी ये फोर प्लस माइनस का फाइव। फिर मेरे पास आएगा वाई, वाई मेरे पास है थ्री एक्स प्लस ए इंटू बी फोर इंटू माइनस का
फाइव हो जाएगा। सोल्व कर देंगे वैल्यू, थ्री एक्स का स्क्वेयर, तीन तीन नौ, ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा प्लस फोर, प्लस माइनस माइनस का फाइव हो जाएगा, ये थ्री एक्स मेरे पास चलते ही आ रहा है। पाँच को चार से गुणा करूँगा बीस आएगा, प्लस माइनस को मैं गुणा करूँगा तो मेरा माइनस आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा बीस। हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है, ये नाइन एक्स स्क्वेयर है, चार में से पाँच जाएंगे तो मेरे पास आएगा माइनस का एक थ्री एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का बीस, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास थ्री एक्स हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा बीस। दोस्तों यही है आपका उत्तर। अगली वैल्यू है मेरे पास वाई स्क्वेयर प्लस थ्री बाय टू, वाई स्क्वेयर माइनस थ्री बाय टू, यानी कि प्लस और माइनस मेरे पास आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको सरसमीका ढूंढनी है सबसे पहले। तो प्लस माइनस मेरे पास एक ही सरसमीका के अंदर आ रहे हैं अभी, तो वो हमारे पास हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो हमारे पास है वाई स्क्वेयर प्लस थ्री बाय टू, वाई स्क्वेयर माइनस थ्री बाय टू। तो इसके अंदर हमारे पास सरसमीका लग जाएगी एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो इस केस में जो मेरे पास x है वो मेरे पास है वाई स्क्वेयर, और जो a की वैल्यू है मेरे पास ये है थ्री बाई टू। तो हमें सरसमीका लगानी है, तुम्हारा आंसर यहाँ पर है x का स्क्वेयर, यानी y का स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा, ये y का स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वेयर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, y का स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो y की पावर मेरे पास हो जाएगी चार, माइनस तीन का स्क्वेयर, तीन तीन नौ हो जाएगा, दो का स्क्वेयर, दो दूनी चार हो जाएगा। दोस्तों यही है आपका उत्तर। फिर हमारे पास है पांचवी वैल्यू, पांचवी वैल्यू में कह रहा है कि थ्री माइनस टू एक्स, थ्री प्लस टू एक्स। इसमें हमें सरसमीका इसमें इस्तेमाल करना है, थ्री माइनस टू एक्स, थ्री प्लस टू एक्स है, सरसमीका हमारे पास यही वाली लगेगी। अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं लगा रहा हूं x प्लस वाई लिख देते हैं और x माइनस वाई लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो x का स्क्वेयर यानी कि मेरे पास x हो जाएगा इस केस में थ्री, और जो y हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा टू एक्स। इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ये मेरा y माइनस x माइनस वाई भी हो सकता है, x प्लस वाई भी हो सकता है, तो आंसर हमारा यही का यही रहेगा। तो हम सरसमीका लगा देते हैं x का स्क्वेयर यानी थ्री का स्क्वेयर माइनस y का स्क्वेयर यानी टू एक्स का स्क्वेयर। तीन का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास नौ आएगा, टू एक्स का स्क्वेयर हमारे पास करेंगे दो दुनी चार एक्स स्क्वेयर। तो दोस्तों यही है आपका उत्तर।